हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल द स्ट्रगलर्स ऑन योर ओन चैनल द लिमिटेड स्ट्रगलर। आप सभी स्ट्रगलर्स का आपके अपने चैनल द लिमिटेड स्ट्रगलर में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। मैं संतोष कुमार सांख्यान एक बार फिर प्रस्तुत हूँ आपके सामने एक नया एजुकेशनल अपडेट लेकर के। और ये अपडेट जो आया है वो आया है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की तरफ से। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने हाल ही में एक नया जो है प्रिकॉशनरी नोटिस जो है जारी किया है उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि ODL में एडमिशन लेना चाहते हैं। अब ये ODL क्या है? ODL है ऑनलाइन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड। मतलब ऐसे कोर्सेज जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की परमिशन से उसके वेरियस ऑनलाइन पोर्टल्स पे ऑनलाइन विद द हेल्प ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन चैनल्स और वेबसाइट चलते हैं, उनमें जो स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और एडमिशन लेंगे वेरियस कोर्सेज में, जैसे MOOC के कोर्सेज हैं, तो उसके लिए एक प्रिकॉशनरी लिस्ट ऑफ गाइडलाइंस जो है वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने जारी की है। उसमें टेन्योर बताया है कि कब से कब तक माना जाएगा, किस वेबसाइट को एक्सेस करके आप ODL में एडमिशन ले सकते हैं, और इसके अलावा बहुत सारी एक गाइडलाइंस की लिस्ट जो है वो बताई गई है। आज के इस वीडियो में आपके साथ वो सारी गाइडलाइंस साझा करूंगा, आपको बताऊंगा कि क्या क्या जो है वो गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी है ODL में एडमिशन लेते समय, जो कि खास तौर से इसी जो एकेडमिक सेशन है उसके लिए एक लिस्ट ऑफ गाइडलाइंस जो है वो जारी की गई है। तो वीडियो को अंत तक देखें, अंत में लाइक करें, कमेंट करें अगर आपकी कोई क्वेरी होती है, तो शेयर करें वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, ये है वो नोटिफिकेशन जो जारी किया है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने रिगार्डिंग प्रिकॉशन टू बी टेकन बाय द स्टूडेंट्स बिफोर एनरोलिंग फॉर प्रोग्राम्स ऑफर्ड अंडर ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग एंड और ऑनलाइन लर्निंग मोड। कि जो भी प्रोग्राम जो है ऑफर किए जाएंगे सेशन में या किए जा रहे हैं अब तक जो भी जिन भी लोगों ने ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग की सहायता से जो है कोई भी UG PG या किसी और तरह का प्रोग्राम जो है उसमें एजुकेशन लिया है, उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस जो हैं वो लेने जरूरी हैं, आवश्यक हैं एज पर दिस नोटिफिकेशन। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कही गई है एंश्योरिंग रिकॉग्निशन स्टेटस ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। कि जो भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जो ऑनलाइन या डिस्टेंस मोड में जो है आपको प्रोग्राम ऑफर कर रहा है, कोई भी कोर्स ऑफर कर रहा है, उसका स्टेटस, रिकॉग्निशन स्टेटस आप एक बार ज़रूर जांच लें कि वो कहाँ से अफिलेटेड है, उसकी सदस्यता कहाँ से है। और ये आपको कहाँ से पता लगेगा? ये UGC की वेबसाइट से आपको पता लग जाएगा, पब्लिक डोमेन से www.ugc.ac.in/deb में आपको जाकर के पूरी जानकारी मिलेगी कि उस इंस्टीट्यूशन वो एफिलेटेड है या नहीं है और किस तरह का वो इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो कि आपको ODL फॉर्म में कोई भी कोर्स जो है वो प्रोग्राम जो है वो ऑफर कर रहा है। दूसरी बात यहाँ पे कही गई है एडहेरेंस टू ड्यूरेशन ऑफ एकेडमिक सेशन। कि COVID-19 के चलते ये जो डिले हुआ है एकेडमिक्स में, इसमें जो इस बार जो क्या किया गया है, 12 महीने का जो सेशन है वो सितंबर अक्टूबर से स्टार्ट होकर के, सितंबर अक्टूबर 2020 से स्टार्ट होकर के फरवरी मार्च 2021 में क्लोज होगा और उसी को 12 महीने का जो है वो माना जाएगा। इसके लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी की बात कही गई है एडहेरेंस टू UGC नोटिफिकेशन ऑन स्पेसिफिकेशन ऑफ डिग्री 2014। कि जो डिग्री प्लस टू मानी जाएगी UG प्रोग्राम के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन एंट्री लेवल के लिए, और जो ग्रेजुएशन मानी जाएगी 10+2+3 का जो हमारा अभी तक का क्राइटेरिया है ग्रेजुएशन का, वो माना जाएगा हमारा PG प्रोग्राम के लिए एंट्री या मिनिमम एलिजिबिलिटी की कंडीशन जो है वो 10+2+3 यानी कि बैचलर्स डिग्री मानी जाएगी। इसके अलावा ग्रेजुएशन के लिए 10+2 यानी कि 12वीं जो है आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी मानी जाएगी। चौथा यहाँ पे दे रखा है प्रिकॉशन, कॉशन अगेंस्ट एडमिशन इन प्रोहिबिटेड प्रोग्राम। कि कुछ एक प्रोग्राम ऐसे हैं जिनमें कि आपका एडमिशन जो है ODL ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग की फॉर्म में जो है वो नहीं हो सकता है, यानी कि कुछ एक कोर्सेज ऐसे हैं जिनमें आप ODL एजुकेशन नहीं ले सकते हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग है, मेडिसिन है, लॉ है, डेंटल, फार्मेसी, नर्सिंग, आर्किटेक्चर, फिजियोथेरेपी, एग्रीकल्चर, होटल मैनेजमेंट और क्लिनरी स्टडीज, वैल्यूएशन ऑफ रियल एस्टेट, एनी अदर प्रोग्राम नॉट रिमिटेड टू बी ऑफर्ड इन डिस्टेंस मोड बाई एनी स्टेचुटरी काउंसिल और रेगुलेटरी बॉडीज। के जो ऊपर प्रोग्राम बताए गए हैं इनके अलावा कोई ऐसा प्रोग्राम है जो कि ये प्रोग्राम्स भी और इनके अलावा कोई ऐसा प्रोग्राम है जो किसी स्टेचुटरी काउंसिल या रेगुलेटरी बॉडी ने जिसको मना किया हुआ है, वो प्रोग्राम जो है वो ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग मोड में नहीं चला सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम द अबव MPhil एंड PhD प्रोग्राम इन ऑल डिसिप्लिन थ्रू ODL और एंड ऑनलाइन
ऑनलाइन मोड्स आर आल्सो प्रोहिबिटेड, मतलब एमफिल और पीएचडी का प्रोग्राम भी ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग मोड में नहीं चल सकता है। इसके बाद पांचवी जो इसमें बात कही गई है काउंसिल लिस्ट में, एंश्योरिंग ऑल एक्टिविटीज विद इन टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन फॉर ओडीएल प्रोग्राम, कि टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन का यहाँ के पर क्या मतलब है, अगर मान लीजिए कोई भी आपका क्वायरी है, कोई प्रॉब्लम है, प्लीज इंश्योर दैट ऑल एक्टिविटीज ऑफ द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एडमिशन काउंसलिंग सेशन कॉन्टैक्ट प्रोग्राम प्रोग्राम डिलीवरी एग्जामिनेशन आर स्ट्रिक्टली कंडक्टेड बाय द HEI विद इन द टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, कि जो उसका एरिया होगा उस इंस्टीट्यूशन का, जो उसकी टेरिटरी होगी, उसी के ज्यूरिसडिक्शन में जो है इन चीज़ों का जो है वो एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पे एक और बहुत बड़ी बात कही गई है जिसको मेरा मानना है कि देखिए यहाँ पे लिखा है प्रोहिबिशन ऑफ फ्रेंचाइजिंग अरेंजमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कही गई है कि कोई भी नो यूनिवर्सिटी वेदर सेंट्रल प्राइवेट और डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी कैन ऑफर इट्स प्रोग्राम थ्रू फ्रेंचाइजिंग अरेंजमेंट विद प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूशन फॉर एडमिटिंग लर्नर एंड कंडक्टिंग कोर्सेज थ्रू ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग एंड ऑनलाइन मोड। मतलब कोई भी यूनिवर्सिटी, चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, स्टेट यूनिवर्सिटी हो या डीम्ड टू बी इंस्टीट्यूशन हो, वो अपना कोई भी प्रोग्राम फ्रेंचाइजी के थ्रू नहीं करवा सकता है, कोई भी एडमिशन ऐसी नहीं ले सकता है। जैसे मान लीजिए कोई लोकल कोचिंग सेंटर है, उसको सदस्यता दे दी अपनी, उसको मान्यता दे दी, और वहाँ से भी आप जो है वो कोई किसी भी यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम कर सकते हो, एफिलिएशन नहीं दिया जा सकता इस तरह का। इसके अलावा चेकिंग द डिटेल ऑफ द HEI वेबसाइट, कि जो भी आपको डिटेल चेक करनी है प्रोग्राम के बारे में, प्रोग्राम की कैटेगरी के बारे में, प्रोग्राम के रिलेटेड कोई और चीज़ें हैं, तो आप हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो उसमें आपको जो इंस्टीट्यूशन में जो है वो डिटेल अपडेट करनी पड़ेगी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, और वहाँ से जा करके आप हर एक चीज़ को गो थ्रू कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो दीज वर द प्रिकॉशंस विच आर नोटिफाइड एंड इशूड बाई द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन टू द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू टेक एडमिशन और टेक एजुकेशन विद द हेल्प ऑफ ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड। तो ये वो सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स थे जो ODL फॉर्म में किसी भी एजुकेशन लेनी है किसी भी तरह की किसी स्टूडेंट ने, तो ये चीज़ें जो है वो ध्यान रखनी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग।